डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है पीएचपी में सीएस 310 फाइनल ईयर का, पीएचपी एंड माईएसपीएल में स्टोर्ड प्रोसीजर एंड फंक्शंस। स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शंस में क्या है? स्टोर्ड प्रोसीजर की डेटाबेस में सेव होता है, और जब बार बार किसी कोडिंग को हमें यूज करना है तो ये आपका इसको हम यूज कर सकते हैं। ये डायरेक्टली टेबल को इफेक्ट डालता है, यानी जो एसक्यूएल के कमांड्स हमने डीएमएल और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के जो कमांड्स हैं वो डायरेक्ट इसमें एग्जीक्यूट होकर ये आपको इफेक्ट डालता है। इसमें पैरामीटर्स के आधार पर भी क्वेरी चल सकती है। तो सिंपल सा हम देखें कि इसका सिंटेक्स क्या होगा। तो डेलिमीटर %% जब हम डेलिमीटर का यूज इसलिए करते हैं कि जब इस प्रोग्राम को लिखेंगे लास्ट में डेलिमीटर करके एंड करेंगे सेमीकोलन से, तब ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एरर देगा। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये एरर देगा। तो डेलिमीटर का यूज सिंपल यहाँ पे है, और इसको क्रिएट करने के लिए इसका स्टैंडर्ड है क्रिएट लिखेंगे, प्रोसीजर लिखेंगे, दो कीवर्ड काम में लेंगे। क्रिएट और प्रोसीजर, तो फंक्शन अपना क्या हो जाएगा इसका सिंटेक्स, क्रिएट प्रोसीजर, यहाँ प्रोसीजर का नाम जो आप लिखना चाहते हैं, और साथ में ब्रैकेट में पैरामीटर। उसके बाद आप बिगिन से शुरू करेंगे कहीं, जैसे फंक्शंस में सी में आप मजला कोस्ट की आप करली ब्रैकेट लगाते हैं, तो बिगिन करेंगे और एंड करेंगे आप उस डेलिमीटर से % लगा के, और बीच में आप एसक्यूएल के स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जो आपको एग्जीक्यूट करना है, फिर लास्ट में डेलिमीटर्स लिख के सेमीकोलन। अब इसको सेव कर देंगे तो ये जो आपने स्टोर्ड प्रोसीजर का जो नाम दिया उससे ये डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। और इसको रन कैसे करना है, रन करने के लिए आप कॉल लिखेंगे और प्रोसीजर का नाम विद, अगर पैरामीटर है तो पैरामीटर के साथ, विदाउट पैरामीटर है तो विदाउट पैरामीटर के साथ, और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको जो इसमें आपने कहा है वो रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब हम चलते हैं स्टोर प्रोसीजर का फंक्शंस। तो फंक्शंस वो यूजर डिफाइंड फंक्शंस है, कुछ हमने इनबिल्ट फंक्शंस देखे हैं, जैसे मैक्स फंक्शन देखा, स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, या अपर फंक्शन है, या लोअर फंक्शन है, या इस टाइप के जो फंक्शन थे वो इनबिल्ट फंक्शन है। लेकिन ये यूजर डिफाइंड फंक्शंस है कि कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसी हमें ऑपरेशंस या ऐसे वर्क करने हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो हम उसको फंक्शंस के रूप में स्टोर करके काम में ले सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि इसके फंक्शंस के अंदर ये और इसमें स्टोर प्रोसीजर में डिफरेंस कॉल का, जिसको कॉल कैसे करेंगे होगा, तो ये डेटाबेस में स्टोर होता है, बार बार यूज़ किया जाता है, और ये एसक्यूएल स्टेटमेंट में कॉल किया जाता है फंक्शन को। अगर यानी फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा उसको एसक्यूएल के स्टेटमेंट में हम काम में लेंगे, तब एसक्यूएल स्टेटमेंट चलेगा तो उस फंक्शन से वो वैल्यू एग्जीक्यूट करा के आपको देगा, और फिर ये एसक्यूएल स्टेटमेंट चलेगा। अब हम ये देखें कि इसका सिंटेक्स क्या है। तो क्रिएट, यहाँ भी क्रिएट था, यहाँ फंक्शन है, यहाँ प्रोसीजर, क्रिएट फंक्शन, फंक्शन का नाम और ये पैरामीटर। अब यहाँ पे हम यहाँ ये रिटर्न वैल्यू का इसमें नहीं लिखा, इसमें रिटर्न वैल्यू है, इसमें नहीं है, तो रिटर्न वैल्यू में रिटर्न्स डेटा टाइप क्या रिटर्न करेगा, जो आप इसके अंदर डेटा टाइप दोगे, जैसे वेरिएबल लिया आपने, या आपने करेक्टर वार कार लिया, या INT लिया, तो जो भी आप लेते हो वो टाइप का रिटर्न डिटर्मिनिस्टिक ये इसमें स्टैंडर्ड लिखा है। फिर रिटर्न्स क्या करना है, ये इसको बता दिया कि हमें इस डेटा टाइप को रिटर्न करवाना है, और रिटर्न क्या करेगा, पैरामीटर, जो पैरामीटर आप यहाँ दोगे उसको वो रिटर्न कर देगा। और अब जैसे हम ये देखें कि हमने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया, ठीक है, परसेंटेज लिख दिया तो ये परसेंटेज को रिटर्न करेगा, या हमने यहाँ पे कोई वैल्यू दे दी फील्ड का नाम, तो कीबोर्ड से हमने फील्ड का नाम दे दिया, तो हमने इंटरेक्टिव बनाने के लिए, तो हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये स्टैंडर्ड फंक्शन है एसक्यूएल का, किसी भी टेबल के सभी फील्ड को प्रिंट करना। लेकिन यहाँ शर्त दे दी कि वेयर कॉलम नेम, कॉलम का नाम क्या होगा, पैरामीटर जो यहाँ से नाम दिया गया है, तो इस शर्त के अनुसार यहाँ जो हम नाम देंगे वो रिटर्न होगा, इसके पास आएगा, और ये इसको, ये जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ से जो इसको नाम दिया गया है, चाहे कीबोर्ड से दें, चाहे आप पहले से डिफाइन करके नाम इसमें पैरामीटर में दे दें, तो वो स्टेटमेंट चलेगा और ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शंस में बुक्स वगैरह, रेफरेंस बुक और टेक्स्ट बुक से जो आप पढ़ते हो उसमें इनका डिफरेंसेस भी देख लें कि स्टोर्ड प्रोसीजर और फंक्शंस में डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, एग्जीक्यूट होंगे तो उनके बता दिया मैंने किस तरीके से एग्जीक्यूट होंगे, ये कॉल से होगा और ये सिलेक्ट में होगा, और उसके बाद में पैरामीटर्स में क्या क्या डिफरेंस है, रिटर्न वैल्यू रेफरेंस कौन सा करेगा और कौन सा नहीं करेगा,
तो इस टाइप से आप इसका करके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आप इसको तैयार कर सकते हैं। और हम अगली क्लास में या कॉलेज में मिलते हैं लॉकडाउन के बाद, या टेलीफोनिकली आप जो भी कन्फ्यूज़न है या जो क्लियर नहीं हुआ वो आप मेरे से कर सकते हैं। धन्यवाद।